नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैंकों और एनबीएफसी के प्रतिनिधियों के साथ भावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। देश में कोविड 19 से मृत्यु दर घटकर 2.25% हुई। संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9.5 लाख पार। भारत कल सुबह 5 राफाल लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार। सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में परिवर्तन की अधिसूचना जारी की। अप्रवासी भारतीयों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति। और प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का मुंबई में निधन। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैंकों और गैर वित्तीय बैंक कंपनियों के हितधारकों के साथ भविष्य के दृष्टिकोण और रोडमैप पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे। कार्यसूची में वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण उत्पादों और वितरण के प्रारूप, प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र वित्त पोषण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित बुनियादी ढांचे, कृषि, स्थानीय विनिर्माण को ऋण उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस चर्चा में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सरकार ने कहा है कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत लगातार ऐसे देशों में बना हुआ है जहां मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है। ये उपलब्धि घर घर सर्वेक्षण, आक्रामक जांच और मानकीकृत क्लिनिकल प्रबंधन उपायों के साथ संक्रमण को फैलने से रोकने की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है। अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गंभीर मामलों के प्रभावी प्रबंधन के जरिए मृत्यु दर कम करने पर ध्यान दिया। इस दौरान क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के जरिए उच्च जोखिम जनसंख्या को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे देश भर में मृत्यु दर कम हुई। मृत्यु दर जून के मध्य में 3.33% से घटकर आज 2.25% रह गई है। तत्काल और सटीक रोगी प्रबंधन के साथ अस्पताल संबंधी 3 स्तरीय बुनियादी ढांचे से मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ाने में मदद मिली। लगातार 5वें दिन कोविड से स्वस्थ लोगों की दैनिक संख्या 30,000 से अधिक रही। संक्रमण का जल्दी पता लगाने और उन्हें अलग रखने के बारे में केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के ठोस प्रयासों के साथ एम्स के विशेषज्ञों की टीम के सहयोग से स्वस्थ होने की दर लगातार सुधर रही है। अधिकारी ने बताया कि स्वस्थ होने की दर तेजी से बढ़ी है। ये जून के मध्य में 53% से बढ़कर आज 64% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 35,175 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 9,52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने से कोविड से स्वस्थ लोगों और मरीज के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है। इस समय मरीजों और स्वस्थ हुए लोगों के बीच 4,55,755 का अंतर है। अब करीब 4,97,988 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि समय से और अत्यधिक सक्रिय उपायों से देश में कोविड 19 महामारी को फैलने से रोकने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.25% रह गई है। अब ज्यादातर रोगी ऐसे हैं जिनमें कोविड के लक्षण नहीं हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज ई सम्मेलन में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि मधुमेह, मोटापा, लीवर बढ़ने और गुर्दे के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण और मृत्यु के उच्च जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारी जो दवाइयां कोविड के लिए इस्तेमाल में ली जा रही हैं, रेमडेसिविर और इस प्रकार की दवाइयां, ये
भले ही अभी ट्रायल स्टेज में है, बहुत लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, लेकिन इनके बारे में साथ साथ ये भी बातें उभर कर आ रही हैं कि इनके इस्तेमाल से लिवर के अंदर डिस्टर्बेंसेज होते हैं और इसलिए जिनका लिवर ठीक है उनको वो डिस्टर्बेंसेज को भी वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। लिवर का महत्व जो है बहुत अच्छे तरीके से आज कोविड के युग में भी बहुत प्रासंगिक हो गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है कोविड के दौर में गुर्दे सुरक्षित रखें, जो मौजूदा संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और सामुदायिक एकता पर बल देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। भारत में वायरल हेपेटाइटिस बहुत आम और गंभीर बीमारी है। उन्होंने कहा कि वायरल बी और सी हेपेटाइटिस रोगी में गुर्दे के कैंसर और जीर्ण गुर्दा रोग का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोग के बारे में बात, जांच और उपचार समाज में जागरूकता फैलाने के मंत्र हैं। इस ई सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में व्यापक कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आयोजित सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि जीत कठिन हो सकती है लेकिन असंभव नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ने लीवर की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी लेनी होगी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मैं देश के सभी माननीय सांसद, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, हम सबको सामूहिक प्रयास से इस वायरस को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी जिस तरीके से फैल रहा है हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसीलिए इसके प्रारंभिक लक्षण के समय हम जांच कराएं, इसके रोकने के पुख्ता इंतजाम करें। भारत में लगातार दूसरे दिन 5 लाख से अधिक नमूनों की कोविड 19 जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इसमें केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयास शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कुल 5,15,000 नमूनों की जांच की गई। कोरोना संक्रमण की जल्दी पहचान और रोगियों को अलग करने की दिशा में जांच पहला महत्वपूर्ण कदम है। देश में जांच नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया गया है। अब तक 1,73,00,000 नमूनों की जांच की गई है। फिलहाल 10 लाख की जनसंख्या में 12,562 लोगों की जांच की जा रही है। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 अत्याधुनिक जांच केंद्रों से भारत में जांच की क्षमता को और अधिक बल मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन जांच केंद्रों का उद्घाटन किया था। देश में 1,310 प्रयोगशालाओं के साथ जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क और सशक्त हो गया है। इनमें सरकारी क्षेत्र की 905 और निजी क्षेत्र की 450 प्रयोगशालाएं हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि कोविड 19 महामारी संकट के दौरान भी प्रधानमंत्री उदय योजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। श्री पुरी ने ट्विटर पर कहा कि लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद इस योजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2,83,258 लोगों के पंजीकरण का काम पूरा हो चुका है, जिससे दिल्ली के करीब 15 लाख निवासियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 997 लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। श्री पुरी ने यह भी कहा कि 97,124 मामलों में जीआईएस मैपिंग की जा चुकी है और 18,663 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख से अधिक निवासियों को मालिकाना हक देना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में कल दोपहर 3 बजे नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड CGR का दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में होने वाले इस सत्र का उद्देश्य कोविड से संबंधित मुद्दों पर व्यावहारिक चर्चा करना है। संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर गंभीर कोविड मामलों में एंटीवायरल और एंटी IL-6 दवाओं के उपयोग पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन सत्र में देश विदेश में स्थित अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर और वरिष्ठ चिकित्सक भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कोविड 19 रोगियों के प्रबंधन, दिशा निर्देश, नीतियों और अनुसंधान विकास के काम में व्यापक रूप से शामिल है। इस संस्थान ने गंभीर बीमारी की 5000 से अधिक रोगियों का प्रबंधन किया है। अपने अनुभवों को साझा करने और कोविड 19 से संबंधित आम मुद्दों के प्रबंधन पर चर्चा शुरू करने के प्रयास से एम्स ने नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कोविड 19 मामले में शामिल चिकित्सक क्लिनिकल मामलों पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। प्रबंधन के लिए आने वाली चुनौतियों पर देश और विदेश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाती है। चिकित्सक प्रश्नोत्तर सत्र में रोगी प्रबंधन से जुड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सप्ताह से कोविड 19 के मामलों में हो रही बढ़ोतरी में कोई कमी नहीं आई है। अब तक इस संक्रमण से यहां 321 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल 470 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जिसके साथ प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 18,390 तक पहुंच गई है। हालांकि ये पॉजिटिव मामले कुछ हफ्तों से विशेषकर कश्मीर संभाग में बढ़ रहे हैं, तब भी ध्यान योग्य बात यह है कि रिकवरी ग्राफ में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। सिर्फ एक दिन में यानी कल 474 रोगी ठीक भी हुए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब 10,402 तक पहुंच गया है और रिकवरी ग्राफ को 57% तक बढ़ा दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं देश में कोविड 19 के हॉटस्पॉट अहमदाबाद में जुलाई के महीने में विशेष रूप से मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। शहर न केवल कोविड 19 के प्रसार को नियंत्रित करने में सफल रहा, बल्कि नगर निगम और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के कारण मृत्यु दर को सफलतापूर्वक कम किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से मिल रही जानकारी की भी मदद ली जा रही है। वर्तमान में शहर में गहन परीक्षण की रणनीति के तहत आवासीय सोसाइटी, धार्मिक स्थानों, बैंकों और शहर के सभी 8 प्रवेश बिंदुओं, नगर पालिका स्कूलों आदि में रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि शहर में ताजा कोविड 19 के मामलों में लगभग 40% की गिरावट आई है। धन्वंतरी रथ मोबाइल OPD कोविड 19 के लक्षण वाले और घर पर परीक्षण करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए 104 हेल्पलाइन, होम क्वारंटीन में इलाज ले रहे लोगों के लिए संजीवनी गृह सेवा जैसी पहलों से शहर में कोविड 19 का संक्रमण नियंत्रण में लाने में मदद हो रही है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में पुणे स्थित सासून जनरल अस्पताल ने दावा किया है कि बच्चेदानी में मां से बच्चे को कोरोना वायरस के वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी सीधे संक्रमण के बारे में उसने पहले ही जानकारी दे दी थी। अस्पताल अब इस जानकारी के दस्तावेजी सबूत एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपवाने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
इस घटना के बारे में बताते हुए पुणे के ससून जनरल अस्पताल के बाल रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर आरती किनीकर ने कहा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी ऊर्ध्वाधर संचरण का मतलब यदि मां संक्रमित है चाहे रोग सूचक या स्पर्शोन्मुख तो वायरस का संचरण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। डॉक्टर किनीकर ने कहा कि वर्तमान मामले में जो उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था महिला को प्रसव से एक सप्ताह पहले तक लक्षण दिखाई दिए थे फिर महिला का परीक्षण किया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट नकारात्मक निकली थी। डॉक्टर किनीकर ने कहा कि बच्ची के जन्म के बाद उसकी नाक गर्भनाल और नाभिनाल का स्वाब परीक्षण किया गया और रिपोर्ट सकारात्मक निकली फिर बच्ची को एक अलग वार्ड में रखा गया। दो तीन दिनों बाद बच्ची को गंभीर संक्रमण हुआ और उसे गहन देखभाल में रखा गया और दो सप्ताह के बाद वह स्थिर और स्वस्थ हो गई। बाद में मां और बच्ची दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वीटी जैन आकाशवाणी समाचार मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड 19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को धोते रहने की सलाह दी है। रेगुलर हैंड वॉशिंग शुड बी डन सो दोज who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. एम्स में ही पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी दवाएं न खाएं। प्लीज डू नॉट टेक मेडिसिन सच एज एजिथ्रोमाइसिन अदर एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल्स और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और अदर एंटी मलेरियल विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बाय अ डॉक्टर डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पर अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संजय पांडे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैंकों और एनबीएफसी के प्रतिनिधियों के साथ भावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। देश में कोविड 19 से मृत्यु दर घटकर 2.25% हुई। संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9.5 लाख पार। भारत कल सुबह 5 रफाल लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार। सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में परिवर्तन की अधिसूचना जारी की। अप्रवासी भारतीयों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति। और प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का मुंबई में निधन। भारत कल सुबह 5 राफेल जेट विमानों की पहली खेप के स्वागत के लिए तैयार है। फ्रांस की विमानन कंपनी दसॉल्ट द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान ने दक्षिणी फ्रांस के बोर्डियोक्स में मैरिग्नेक हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। 2016 में भारत से 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 विमानों में से 5 विमानों की ये पहली खेप है। राफेल विमान भारत से फ्रांस के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। बीच में ये संयुक्त अरब अमीरात में ईंधन भरेंगे। एक रिपोर्ट। संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले राफेल लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर आसमान में ही ईंधन भरकर भारत की तरफ अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा किया। अपने दूसरे चरण में राफेल अल दफरा हवाई बेस से उड़ान भर के भारत पहुंचेगा। भारतीय वायुसेना ने राफेल की भारत यात्रा में सहयोग के लिए फ्रांस की वायुसेना के समर्थन की सराहना की है। राफेल केटर और स्कैल्प क्रूज मिसाइल समेत अन्य घातक हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को स्तब्ध करने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ देश में लाए जा रहे हैं, जिनमें इजरायली हेलमेट युक्त डिस्प्ले, अत्याधुनिक रडार और कम बैंड के जैमर प्रणाली शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी जंगी बेड़े में राफेल को जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी विकसित कर लिया है।
आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि 10 विमान तय समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में रहेंगे। सभी 36 विमान वर्ष 2021 के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री गुरुवार को मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत अप्रवासी भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है। पिछले महीने सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अवधि तीसरी बार बढ़ाई थी। ये अवधि 2 महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के दूसरे मसौदे को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें विभिन्न पक्षों और आम लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। पहला मसौदा वेबसाइट पर डाला गया था और 17 अप्रैल तक विभिन्न पक्षों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे। बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 8 मई कर दी गई। तब से अब तक विभिन्न पक्षों, सेवा क्षेत्र और उद्योग जगत से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों के अनुसार संशोधित मसौदा तैयार किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित रक्षा सुधारों के अनुसार समीक्षा समिति ने इस मसौदे को अंतिम रूप दिया। संशोधित मसौदे पर 10 अगस्त तक विशेष सुझाव मांगे गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धनशोधन मामले में आज GVK ग्रुप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के कई परिसरों पर छापे मारे। निदेशालय ने मुंबई हवाई अड्डे के संचालन में 705 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता की जांच के संबंध में ये छापेमारी की है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुंबई और हैदराबाद में 9 परिसरों पर छापे मारे गए हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के कोष से 705 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोपों की ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया। उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में है। बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर होना इस बात का सूचक है कि यहां इनके संरक्षण के कारगर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाघ कुदरत के अनमोल नगीने हैं और जंगल में इनकी मौजूदगी वनों की अच्छी स्थिति के संकेत देती है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में 30,000 हाथी, एक सींग वाले 3,000 गैंडे और 500 से अधिक शेर भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद देने को तैयार है। भारत में प्रकृति से समन्वय के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति का जिक्र करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इसमें संसाधनों की कमी के बावजूद देश ने दुनिया की करीब 8% जैव विविधता के संरक्षण में मदद की है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पेड़ों की पूजा जैसे रीति रिवाज प्रकृति के साथ हमारे अनोखे तालमेल को दर्शाते हैं। बाघों की रक्षा में भारत ने जो कदम उठाए, हम दुनिया के जो 13 देश है जिनके पास बाघ है उनको सभी प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, यहां का उनको सब दिखाएंगे और बाकी भी जो सहयोग लगेगा वहां जाकर भी वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा हो। बाघों की आबादी वाले देशों के शासनाध्यक्षों ने 2022 तक इनकी संख्या दुगुनी करने का संकल्प लिया था। इसके लिए बाघों के संरक्षण के बारे में 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन देशों ने फैसला किया था कि बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।
प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थीं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और कभी आर कभी पार, मेरे महबूब कयामत होगी, मधुबन में राधिका नाचे रे और यह है मुंबई मेरी जान जैसे लोकप्रिय गीत उन पर फिल्माए गए थे। कुमकुम का असली नाम ज़ेबुन्निसा था। उनकी यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर, आंखें, ललकार, नया दौर, उजाला, आर पार और सीआईडी हैं। उन्होंने 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई बुक में अभिनय किया था। कुमकुम को फिल्मों में लाने का श्रेय अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त को जाता है। उन्होंने 1950 में फिल्म आर पार में बिना किसी भूमिका के उन पर गीत फिल्माया। बाद में उन्होंने गुरुदत्त की प्यासा फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में पटना के थाने में FIR दर्ज की गई है। महानिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मृतक के पिता ने राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को इस मामले में FIR दर्ज कराई। FIR में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त कलाकार रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस बीच पटना पुलिस की 4 सदस्यों की एक टीम इस मामले की जांच के लिए आज मुंबई पहुंची। सूत्रों के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 12 जिलों के लगभग 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दरभंगा के 11 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। अन्य प्रभावित जिले गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हैं। बाढ़ के पानी से 110 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और 28 सड़कों पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल पटरियों के पानी में डूब जाने के कारण लगातार 5वें दिन भी रेल यातायात बाधित रहा। NDRF और SDRF की 26 टीमों को राहत कामों में लगाया गया है। बाढ़ प्रभावित असम में पिछले 24 घंटे में बारिश न होने से स्थिति में सुधार हुआ है। कई स्थानों पर अब प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि अभी भी 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुरोई नदी के कटाव से प्रभावित लालपुखुरी क्षेत्र का दौरा किया और विश्वनाथ जिले में भूमि कटाव सुरक्षा उपायों का निरीक्षण किया। और अब एक नज़र कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछार पड़ सकती है। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 28 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तरी भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के भी आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक दो जगह बारिश हो सकती है। शहर में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं तथा एक दो बार बारिश भी हो सकती है। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 17 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा और धूल भरी आंधी की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बैंकों और एनबीएफसी के प्रतिनिधियों के साथ भावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। देश में कोविड 19 से मृत्यु दर घटकर 2.25% हुई। संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9.5 लाख पार। भारत कल सुबह 5 रफाल लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार। सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में परिवर्तन की अधिसूचना जारी की। अप्रवासी भारतीयों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति और प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का मुंबई में निधन। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।